अगर हम नारा कश्मीर का इसलिए लगाते हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आज तक हमने आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। आज तक कश्मीर हमने फतह किया, 1971 में हमने क्या किया, 1965 में हमने क्या किया, कारगिल की वार में हमने क्या किया। आज खान साहब आए, सिस्टम को नंगा किया, खान साहब आए, लोगों को बताया कि यार हमारी मर्ज की तशखीस ये है। आपने बोला कि रशिया के से हमें डिपेंड करना चाहिए इकॉनमी में, इकॉनमी में। रशिया खुद इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो उनकी ट्रेड है वो इंडियन करेंसी, वी शुड हमें वी शुड नॉट डू विद इंडिया एट ऑल। रशिया तो इंडिया के साथ, वो तो रशिया कर रहा है ना, हाँ। हमारे लिसन हमें ये नहीं करना कि वो ये कर रहा है तो हमें वो कर रहे हैं। सात बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लग। वो ऐसी ब्रिजेस बना रहा है और हम नहीं बना सकते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीज़ों में और भी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। अभी जो करेंटली आप सिचुएशन देखें कि मार्केट में डॉलर्स नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मैं इस पर बात करना चाहूँगी कि अभी मतलब मार्केट में डॉलर्स नहीं है, हमारे पास प्याज खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? तो हमारे तो मतलब आप ब्रिजेस की बात कर रही हैं, ब्रिजेस वैसे मुझे तो बहुत ही कम देखने में नजर आए हैं, या तो मुझे ज़्यादातर नज़र आते हैं जो डिमोलिश होते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं होते। ठीक है, ऐसे है। अदरवाइज जो है मतलब कोई भी मेरे ख्याल से उन पे पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो पैसे किधर जाते हैं। पाकिस्तान में मतलब इस वक्त हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का हाल देखें, बिल्कुल खत्म हो चुका है फाइनेंशियल सिस्टम। बजट आने, क्या आप सोचती हैं कि बजट आएगा हमारे? लगता है कि 2023 का बजट सेट होगा जबकि पाकिस्तान थोड़े डिफॉल्ट की सिचुएशन में। आई डोंट थिंक सो कि कोई बजट जो है ना सेट हो सकता है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम भी खत्म हो चुका है, इतने बुरे हालत। मतलब मेरा ख्याल से दिवालिया हो चुका है, बस अनाउंसमेंट नहीं हुई। बारह दिन से हमारे घर में एक बूंद पानी के लिए कोई नमाज नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं किया। कल रात को थोड़ा सा फिर चला गया, मोटर पानी नहीं ठहर रही, सरकारी पानी तो बिल्कुल आगे आता था थोड़ा, वो बिल्कुल नहीं आ रहा, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल गैस तो है ही नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं और बिल जमा करवाए जा रहे हैं, और इधर से खतरा पानी का नहीं है, सिलेंडर इस्तेमाल करी जा रहे हैं, बंद कर दिया है। लेकिन जब मुआहदा हुआ था ना तो यही था कि पानी बंद नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो, हमारा पानी बंद कर रहे हैं, हमारी ज़राअत भी तबाह हो रही है इस वजह से, इंडिया के बंद करने की वजह से। हाँ जी, इंडिया के पानी बंद करने की वजह से दरियाओं में पानी नहीं आएगा तो फसल कहाँ से होगी? पानी आएगा तो फसल होगी ना, कितना को ट्यूबवेल चलाएंगे और फसलों को पानी देंगे? सर मेरी एक बात सुने, कि मेरी बात सुने ना, उनकी कितने सूबे हैं? 36 सूबे। पाकिस्तान है उसका नाम कुरान पाक में लिखा हुआ है, इस वजह से हमारा पाकिस्तान कयाम। सिक्योरिटी भी रिस्क में आएगी, सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में आएगी। आपको पता है कि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की बात ना करो, ये खुद ही मर रहे हैं। उन्होंने गलत कहा, उन्होंने ठीक कहा है। नहीं वो मेरी लेकिन बात ठीक है ना, कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि चाइना को वापस भेजो। वो इस बात पे खुश है कि हमारा इलाका डेवलप्ड हो, दुनिया आए, रोड बने। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाइना को वापस भेजो। बिल्कुल वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद है जो हक नहीं दिया रहा, कुछ ऐसे अनासिर जो बाहर से जो है उनको फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की नहीं। ऐसे अनासिर हैं, बताएं खुल के दुनिया को पता चले। अगर आज वो सो मोटो नहीं लेते तो हम ना सिर्फ गुलाम बनेंगे, हमें ना, मैं कहता हूँ कि हमारे मुंह में खाक, पाकिस्तान बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करेगा। हमें सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें अपनी एटॉमिक पावर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के पता नहीं